हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। अभी जो हम आप लोग को बताने वाले हैं वो मैथ में बताने वाले हैं 5.3। कल बताए थे, 3 नंबर ख़त्म किए थे उसका। आज उससे आगे का सोल्यूशन हम आप लोग को देने वाले हैं। आप लोग बुक रख लीजिए आगे में और ध्यान से देखिए। तो आज जो एक्सरसाइज स्टार्ट होगा 5.3 का 4 नंबर। चार नंबर क्वेश्चन कर रहा है 636 योग है, SN इक्वल टू 636 और प्राप्त करने के लिए AP दिया हुआ है 9, 17, 25। तो कितने पद लेने चाहिए ये क्वेश्चन है। तो A इक्वल टू क्या हो गया 9, D इक्वल टू क्या हो गया A2 - A1, 17 में माइनस 9 जाएगा, कितना हो जाएगा 18, 8 हो गया। अब SN कितना है दिया हुआ है 636। इसका फॉर्मूला क्या होता है N/2 2A + N-1 × D = 636। पहले देखना है तब लिखना, पहले समझिए आपको N पद निकालना है, कितने पद लेने चाहिए। N पता नहीं, N को N रखने देंगे। 2A ये तुरंत निकाले 9 प्लस एन माइनस वन, तो एन तो पता नहीं है। डी डी कितना निकाले 8 + 36। N/2 9 × 18 हुआ प्लस 8 × N 8 है, माइनस 8 × 1 = 636 हो गया। अब क्या करना है N/2 18 पहले एन वाला लिख देते हैं। क्या है, क्या एन वाला अलग है, पहले लिख लिए 8N, फिर 18 में 8 किया कितना हो गया प्लस 10 = 636। अब यहाँ देखिए क्या होगा, N 8N + 10 636, ये बटे में 2 था, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, नीचे में है उधर जाएगा तो इनटू में हो जाएगा। अब देखिए 8 × N 8N² 10 × N 10N, गुना कर दिए N से इसमें किया और गुना फिर N से इसमें किए, फिर इसको गुना किए 14 × 12 3 × 6 = 7 14 × 12 = 72 हो गया। 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, अब ये इधर आ जाएगा 8N² + 10N 12 + 72 इधर आएगा माइनस में इक्वल टू क्या बचा 0/9। अब क्या करना है, इसमें कुछ कॉमन लेना है, कौन पहाड़ा सब कट जाता है, 2 से कट जाएगा, 2 बाहर कर दिए, 2 4 जा 2 5 जा 636 = 0, 4N² + 5N 636 = 0/2 0 होगा। अब उनको इसका क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है, इसका और इसका क्या करना है, गुना करके 5 लाना है, इन लाना है, तो यहीं पे हम करते हैं रफ में, आप लोग देखिए, फिर बिटा देंगे 636 × 4 6 4 24 4 12 13 14 4 एक बचा 24 1 25 24 का क्या करना है, LCM लेना है, कितना बार में लेना है 2 बार 2 × 2 2 × 4 2 × 16 2 × 6 2 × 8 16 2 × 2 5 10 2 × 9 18 3 × 5 15 3 × 9 इतना हो गया 2 × 2 = 4 4 × 8 8 × 9 = 16 16 × 3 = 48 48 49 52 53 48 और 53 से क्या आ जाता है 5 आ जाता है। चलिए समझ में आ गया, यहाँ क्लियर करके बता दूँ 4N² + 53N - 48N 53 में 48 जाएगा 5N हो गया और दोनों का मल्टीप्लाई करके कितना गुना भी इसका पूरी गया 636 = 0। अब क्या करेंगे 4N से 48 कटेगा तो पहले 48 वाला लिखेंगे 4N² - 48N + 53N 636 = 0। अब देखिए इतना दूर एक बार कॉमन, इतना दूर एक बार कॉमन लेंगे तो इसमें क्या ले लेंगे 4N, तो N बचा 12 × 48 कट गया प्लस 53 लिए बाहर, 53 बाहर आया तो N बचा और ये 12 बार में ये क्या होता है कट जाता है N-12 N-2 12 है तो एक बार कॉमन हो गया N-12 = 0
इधर 4n प्लस 53 इक्वल टू 0, n इक्वल टू क्या हो गया 12। अब यहाँ पे 4n इक्वल टू माइनस 53, n इक्वल टू माइनस 53 बाय 4, ये तो हो गया इम्पॉसिबल, असंभव जिसको बोलते हैं। क्या हो गया ये वाला टर्म, क्या हो गया इम्पॉसिबल, आंसर सिर्फ क्या हो गया n इक्वल टू 12 हो गया। तो ये आपको पूरा हम समझाएं चार नंबर। चलिए हम तो हट जाते हैं, इसको आप लोग क्या कीजिए उतार लीजिए, ठीक है यहाँ तक हो गया। अब आगे बता रहे हैं चार बताया, अब पांच नंबर देखिए। पांच नंबर कर रहा है किसी एपी का प्रथम पद ए है, प्रथम पद बोले तो ए, ए बराबर क्या दिया हुआ है हाई, और अंतिम पद 45 है। अंतिम पद को क्या बोलते हैं, ए एन बोलो या एल बोलो, 45 और योग एस एन कितना दिया हुआ है 400। पदों की संख्या और सार्वत्र, इसमें एन निकालना है और डी निकालना, पदों की संख्या बोले तो एन निकालना है और सार्वत्र बराबर, मतलब ये आपको फाइंड करना है क्वेश्चन में। डाउट क्लियर हो गया क्या निकालना है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो एस एन बराबर क्या दिया हुआ है 400, ए एन को एल भी बोलते हैं पता है ना। चलिए एस एन का फॉर्मूला एन बाय टू ए प्लस एल इक्वल टू 400। एन क्या है पता नहीं है तो एन को एन रख देंगे, ए पता है ए कितना है 5 प्लस एल, एल भी पता है कितना है 45 इक्वल टू 400, एन बाय टू गुना 45 पाँच 50, 2 से कट गया 25 इक्वल टू 400, 25 एन बराबर कितना हो गया 400। अब ये 25 400 हुआ, अब क्या करेंगे एन इक्वल टू 400 बटे 25 कई बार में कट जाएगा 16 बार में कटेगा ना, एन इक्वल टू क्या हो गया 16 आंसर हो गया, ठीक है इसको आप लोग समझ में आ गया लिखिए। अब आगे बताते हैं, चलिए हो गया ये वाला भी, और इसमें डी भी निकालना है, सॉरी ये तो भूल ही गए, एन का मान 16 हो गया डी, ए एन इक्वल टू क्या है 45 है फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 45, ए का मान बताइए तो 5 प्लस एन, एन तुरंत निकाले हैं 16 माइनस वन, डी पता नहीं अब तो डी निकल जाएगा ना, डी इक्वल टू 45, 5 प्लस 16 में गया 15 डी बराबर 45, 15 डी बराबर 45, एक 5 प्लस उधर जाएगा माइनस 15, 45 से 5 गया 40, डी बराबर 40 बटे 15, 5 किया 15, 5 अठा 40, डी का मान कितना आ गया 8 बटे 3, तो यह भी पता चल गया। अब काय नंबर होगा 5 हो गया, अब 6 नंबर देखना, 6 में कह रहा है क्वेश्चन पढ़ रहे किसी एपी के प्रथम पद और अंतिम पद दिया हुआ है, किसी एपी के प्रथम पद ए बराबर 17 और अंतिम पद इसको ए एन और एल बोलते हैं 350 दिया हुआ है, यदि सार्वंतर 9 है तो डी बराबर 9 दिया है, तो इसमें कितने पद और किन योग, एन निकालना है और क्या निकालना है एस एन, जो क्वेश्चन निकालना हम यहाँ समझा दिए, इतना चीज दिया हुआ है फाइंड क्या करते हैं हम लोग एल और एस एन। तो पहले हम लोग ए एन से एन पता प्राप्त कर लेते, ए एन बराबर कितना है जी 350, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है ए एन का ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 350, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, ए का मान कितना दिया हुआ है 17 प्लस एन, एन पता नहीं है डी, डी पता है 9, 350 17 प्लस 9 गुना एन 9 एन माइनस 9 गुना एक 9 350 आ रहा है समझ में। अब क्या करना है, अभी 17 में पहले क्या करेंगे 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9 9 18 हो जाता है 8 हो गया प्लस 9 एन 350, 9 एन इक्वल टू 350, ये 8 प्लस उधर जाएगा माइनस में 9 एन इक्वल टू घटाइए तो 10 में 8 गया 2 या 4 बचा 342, तो एन इक्वल टू 342 बटे एन बराबर है 9, यहाँ आ जाएगा 9 से कटेगा 9 चौके
नौतिया 27, 28 29 30 31 32 33 34 नौ अट्ठा 72, एन का मान कितना हो गया 38 आ गया। एक आंसर तो ये हो गया एन बराबर, दूसरा कर रहा था एस एन, अब एस एन तो आसान हो गया, एस एन का फॉर्मूला एन बाई टू ए प्लस एन, एन का मान 38/2 ए, ये कितना है 17 एल, बट हमेशा बोलते हैं ए एन को एल भी बोलते हैं, तो ए एन एल कितना है 350 कट जाएगा, 19 गुना 38 दोनों को जोड़ा जाए 7 और 5 6 367, इसको जो मल्टीप्लाई करके आएगा वही क्या हो गया आंसर हो गया। ये भी बन गया आप लोग का क्वेश्चन, चलिए देखिए चलिए अब आगे बताते हैं। अब क्या नंबर होगा 6 हो गया, अब 7 नंबर देखिए, उस एपी के प्रथम पदों का योग ज्ञात करना है, एपी के प्रथम 22 पदों का ये निकालना है, क्वेश्चन पढ़ना है क्या करना वहां लिख दिए हम, एपी के 22 पदों का योग तो ज्ञात करना फाइंड करना वो हमको निकालना है, जिसमें डी बराबर क्या दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, जिसमें डी 7 और 22वां पद ये 22 कितना है 149 है, बस यही क्वेश्चन कर रहा है, अब ध्यान से देखना है। तो हम बना रहे हैं इसका इसका फॉर्मूला a प्लस एन माइनस वन, एन की जगह क्या है a, एन की जगह 22 है, तो 22 माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 149, ये पता नहीं है a प्लस 22 में गया कितना हो गया 21 गुना डी, डी कितना है 7 बराबर 100 है ना जी, 22 में गया 21 हो गया, डी का मान दिया हुआ था तो गुना 7 करेंगे, ए प्लस 21 गुना 7 7 7 गुना 14 147 बराबर 149, ए बराबर 149 और 147 प्लस उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, ए बराबर घटाइए तो 7 में 8 2 हो गया, 4 में 4 गया 0, बस क्या हो गया 2 हो गया, ए का मान कितना निकल गया 2, हमको निकालना क्या है S22, क्या निकालना है S22, फॉर्मूला क्या होता है N/2 ए प्लस एन, एन का मान 22/2 ये कितना निकालने हैं 2 और प्लस एल, एल एल किसको बोलते हैं एन को, अंतिम पद कितना है इसमें जी 149, 22/2 गुना 49 50 51 151, दो बार में 11 कट गया, अब इसको फिर गुना कर लेंगे 11 गुना 151 कर लेंगे, 11 का 11 हुआ 11 55 एक 56 5 5 हुआ 11 5 16 हो गया, ये आंसर हो गया, ये वाले दोनों गुना करके जो आएगा वही होगी आंसर, इसको ये भी हो गया, इसको लिखिए। हो गया इसको वीडियो पॉज करके लिख लेना है सारा, अब आप लोग का एक क्वेश्चन और बताएंगे तो 5 हो जाएगा, अब क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा 6 के हो गया 7 हो गया, अब 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्या है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना है, एस 51 बराबर डॉट, क्वेश्चन समझ में आ गया क्या निकालना है, जिसके दूसरे और तीसरे पद दिया हुआ है, जिसका दूसरा दिया हुआ है 14 और तीसरा दिया हुआ है 18, तो इसको बना लेते हैं ए प्लस एन, एन की जगह क्या है 2 - 1 × d = 14, ए प्लस 2 में गया डी इक्वल टू 14, ए बराबर 14, ये डी प्लस उधर जाएगा माइनस में समीकरण, डाउट क्लियर हो गया। उसके बाद कर रहा है दूसरे और तीसरे पद दिया हुआ 18, तो ए 3 बराबर क्या दिया हुआ है 18 दिया है, ठीक है ध्यान से देखना है, ए प्लस 3 एन माइनस 1 3 - 1 × d = 18, समझ में आ गया, ए प्लस 3 में से गया 2d = 18, अब क्या करना है इसका मान एक जगह क्या लिखेंगे, ए बराबर 14 - d, यहाँ एक जगह रख सकते हैं क्या रख देंगे 14 - d प्लस 2d = 18, अब क्या करना है 14 2d d और d एक जाती है 2d में एक d चल जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा d प्लस में, प्लस का चिन्ह क्या है जी बड़ा है बराबर 18, अब हो गया d बराबर 18, ये 14 प्लस उधर जाएगा माइनस में, तो d का मान 14 - 18 गया 4, तो हमको d निकल गया, अब क्या करना है s 51 निकालना है, क्या निकालना और d का मान से हम क्या निकाल सकते हैं, d का मान अगर एक में रखेंगे तो हमको क्या आ जाएगा ए पता चल जाएगा, डी का मान किस में रखेंगे, लिखेंगे डी का मान
समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक कितना है आपका, ए बराबर 14 माइनस बी, 14 माइनस डी, डी का मान कितना निकाले, 4, 14 में 4 गया 10, ए भी पता चल गया डी भी पता चल गया, तो ऐसे का मान तो आराम से निकल जाएगा ना जी, एन बाय टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन का मान एस एन जो है 51 है, तो 51 बटे 2 2a, ए कितना है आपका 10 प्लस एन, एन कितना निकाले हैं, एन है 51, 51 माइनस वन इंटू डी, डी कितना निकाले हैं गुना 4, यहाँ तक समझ में आ गया, वैल्यू सब पुट कर दिए, अब क्या करना है 51 बटे 2 10 गुना 20, 51 में गया 50 गुना 4, 51 बटे 2 20, 50 गुना 4 200, 5 चौके 20, 51 बटे 2 गुना 220 कट जाएगा, दुखा दुखा दू 0, 51 गुना 110 ये जो आएगा आपका वो क्या हो गया आंसर हो गया। तो यहाँ तक कर आप लोग को समझ में आ गया, इसका नेक्स्ट वीडियो हम कर देंगे आप लोग को, इसको अच्छा से लिखना है और समझना, जब तक के लिए बाय।